हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और पहला टॉपिक है सूत्रभार और अणुभार। अणुभार ज्ञात करना हम पहले भी देख चुके हैं। किसी यौगिक का अणुभार उस यौगिक के अणु सूत्र में उपस्थित सभी परमाणु के परमाणु भारों के योग के बराबर होता है। जैसे कि अगर हम एल्युमिनियम क्लोराइड का अणुभार ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके अणु सूत्र में 2 एल्युमिनियम और 6 क्लोरीन परमाणु उपस्थित हैं, तो इनके परमाणु भारों को जोड़ करके हम उसका अणु भार ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से एल्युमिनियम क्लोराइड का अणु भार हो जाएगा 2 × एल्युमिनियम का परमाणु भार प्लस 6 × क्लोरीन का परमाणु भार। एल्युमिनियम का परमाणु भार 27 होता है और क्लोरीन का परमाणु भार 35.5। तो ये मान रख के आगे सॉल्व किया जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 267। तो इस तरीके से एल्युमिनियम क्लोराइड का अणु भार 267 हो जाएगा। इसी प्रकार से किसी यौगिक का सूत्र उसके रासायनिक सूत्र में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भारों के योग के बराबर होता है। तो जैसे हम एल्युमिनियम क्लोराइड का अगर सूत्र भार ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके रासायनिक सूत्र में हम देख सकते हैं कि 1 एल्युमिनियम और 3 क्लोरीन परमाणु हैं। इनके परमाणु भारों को जोड़ के हम इनका सूत्र भार ज्ञात करेंगे। तो इस तरीके से एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र भार हो जाएगा 1 × एल्युमिनियम का परमाणु भार और प्लस 3 × क्लोरीन का परमाणु भार। तो एल्युमिनियम का 27 और क्लोरीन का 35.5, जिसको वैल्यू को रख के हम सॉल्व करके 133.5 एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र भार ज्ञात कर लेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एल्युमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र अणु सूत्र अलग अलग है, लेकिन सामान्यतः यौगिकों के रासायनिक सूत्र और अणु सूत्र सेम होते हैं। जैसे कि H2O है तो H2O का रासायनिक सूत्र भी H2O ही होता है और उसका अणु सूत्र भी H2O ही होता है। तो उनके लिए उनके अणु भार और सूत्र भार दोनों का मान सेम हो जाएगा। अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं की स्टॉइकियोमेट्री। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया से पहले जो पदार्थ लिए जाते हैं उन्हें अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं, और अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया का इस तरीके का निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार से किसी रासायनिक अभिक्रिया की स्टॉइकियोमेट्रिक अनुपात अभिक्रिया में निहित अभिकारकों व उत्पाद इनके अभिकारक व उत्पाद के मूलों के सरलतम अनुपात के बराबर होता है। इसको हम उदाहरण से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे एक अभिक्रिया है जिसमें जिंक HCl से अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड बना रही है और हाइड्रोजन गैस बना रही है, तो हम इनके मोलों की संख्या देख सकते हैं। इनके आगे का नंबर इनके मोलों की संख्या दिखाएगा। तो जिंक के मोलों की संख्या 1 है, हाइड्रोजन क्लोराइड के मोलों की संख्या 2, इनके मोलों की जिंक क्लोराइड के मोलों की संख्या 1 और हाइड्रोजन गैस के मोलों की संख्या 1 है। तो इस तरीके से अभिकारक और उत्पाद के जो मोलों की संख्या है अगर उनको सरलतम अनुपात के रूप में लिखा जाए इस तरीके से 1:2:1:1, तो ये अभिक्रिया का स्टॉइकियोमेट्रिक अनुपात कहलाएगा। अगला टॉपिक है स्टॉइकियोमेट्रिक गुणांक। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक या उत्पाद के मोलों की संख्या प्रदर्शित करने वाला पूर्ण अंक उस अभिकारक या उत्पाद का स्टॉइकियोमेट्रिक गुणांक कहलाता है। जैसे कि ऊपर की अभिक्रिया में हम देख सकते हैं कि जिंक के मोलों की संख्या को प्रदर्शित करने वाला अंक 1 है, तो इस जिंक का स्टॉइकियोमेट्रिक गुणांक 1 हो जाएगा। HCl के मोलों की संख्या को प्रदर्शित करने वाला अंक 2 है, तो HCl का स्टॉइकियोमेट्रिक गुणांक 2 हो जाएगा। इस तरीके से जिंक क्लोराइड का स्टॉइकियोमेट्रिक गुणांक 1 और हाइड्रोजन गैस का भी 1 हो जाएगा। और हम यहाँ देख सकते हैं कि स्टॉइकियोमेट्रिक अनुपात अभिक्रिया का होता है, जबकि स्टॉइकियोमेट्रिक गुणांक किसी अभिकारक या